बहराइच में पुलिस ने सनसनीखेज धोरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर हत्यारे दोस्तों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक सिंह ने बताया कि महिला के साथ युवक का संबंध चल रहा था। इसमें महिला युवक से शादी करने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर पहले युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मिहपुरवा बुलाया और अरहर के खेत में ले जाकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जब अभियुक्तों को इस बात का डर था कि कहीं उसका 11 साल का बेटा घर जाकर कुछ बता न दे, जिसके डर से बच्चे को भी दूर ले जाकर जंगल में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का शव रुपईडीहा थाना क्षेत्र में नहर के किनारे बरामद हुआ था। हालांकि सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने इस जघन्य धोरे हत्याकांड का खुलासा कर दोनों शातिर अभियुक्तों पर धारा 302, 201, 34 व 425 आम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की विवेचना कार्रवाई में जुटी हुई है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 29/3/2022 को थाना रुपईडीहा के ग्राम भरहा पारा के पास में एक अरहर के खेत में सरयू नहर के किनारे एक महिला का शव मिला था। क्योंकि उस समय शव अज्ञात था, लेकिन बाद में उसकी पहचान हुई और वो महिला थाना मूर्तिया के ग्राम कठोतिया की रहने वाली थी। महिला की पहचान के पश्चात उसके बेटे द्वारा थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 100 धारा 302 201 34 IPC पंजीकृत कराया गया था और जिसमें उसने ये नामजद FIR पंजीकृत कराई थी। राम कुमार पुत्र राम प्रताप व विनोद कुमार पुत्र सीताराम, एक अभियुक्त हरापारा का ही रहने वाला था, एक अभियुक्त थाना निधासन खीरी का रहने वाला था। इसमें राम कुमार का मृतका से काफ़ी दिनों से आना जाना उसके घर पे था। मृतका उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, तो इसने अपने मित्र की सहायता से फ़ोन करके 29/3/2022 को फ़ोन लाश मिली थी, लेकिन जो घटना हुई थी वो 23/3/2022 को फ़ोन करके इन्होंने मीपुरवा में बुलाया। तो मृतका अपने एक 11 वर्षीय पुत्र के साथ गई थी, वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको भरा पारा के पास में ले गए। उसके बेटे को उन्होंने समोसा खिलाया और माँ को किसी बहाने से ले जा कर के पहले अरहर के खेत में उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात क्योंकि लड़का इस बात को कहीं बता न दे, साक्ष्य उजागर न कर दे, तो उसे कुछ दूर ले जा कर के अंटावा जंगल में उसकी भी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। मृतका और मृतका के बेटे दोनों के सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोगों ने सर्विलांस टीम जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे घटना का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी, थाना रुपईडीहा और सर्विलांस टीम, और हम सभी लोगों ने प्रयास करके इसमें दोनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त आला कतल, मृतका की चप्पल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार शुदा दोनों व्यक्तियों को नियमानुसार रिमांड के लिए प्रेषित किया जा रहा है और इसमें साक्ष्य एकत्रीकरण की कार्रवाई है। शीघ्र ही इनको कारादंड दिलाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सर, इसमें दो ही अभियुक्त जो है थे या अभियुक्तों का क्या चल रहा है? नहीं, इसमें दो ही अभियुक्त थे और विवेचना चल रही है। अगर कहीं किसी प्रकार का लेश मात्र भी किसी का इसमें संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।